सासनी कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को चोरी की गाड़ी में एक तमंचा व जिंदा कारतूस सहित किया गिरफ्तार। सासनी कोतवाली निरीक्षक अश्विनी कौशिक, एसआई मनोज कुमार, एसआई विजय सिंह, कांस्टेबल गौरवपुरी, कांस्टेबल विजय कुमार इंद्रपाल सिंह के साथ गश्त करते हुए बस स्टैंड के पास पहुंचे और चेकिंग करने लगे। तभी थाना मंगोलपुरी दिल्ली की पुलिस टीम आई और उन्होंने बताया कि तरुण एनक्लेव प्रीतमपुरा दिल्ली से एक सफ़ेद रंग की फॉर्चुनर गाड़ी चोरी हुई है, जिसमें जीपीएस सिस्टम लगा है और लोकेशन अलीगढ़ हाथरस रोड बता रहा है। सूचना पर दिल्ली पुलिस की टीम के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद एक सफ़ेद रंग की फॉर्चुनर गाड़ी अलीगढ़ की तरफ से आती दिखाई दी। गाड़ी चालक पुलिस को देखकर गाड़ी मोड़कर भागने लगा, जिसके बाद सरकारी जीप से उसका पीछा कर गाड़ी से चालक को पकड़ लिया गया। उसके पास से एक तमंचा व दो कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने अपना नाम नाविद पुत्र निसार अहमद निवासी अहमदनगर थाना तिसाड़ी गेट जिला मेरठ बताया है। वहीं दबिश के दौरान तीन अभियुक्त फरार होने में भी सफल रहे। मत किया गया, क्या है पूरा मामला? ये थाना शासनी को और सीओ सिटी को दिल्ली पुलिस के द्वारा अवगत किया गया, कराया गया था कि उनके यहाँ की एक चोरी गई फॉर्चुनर की इनके हमारे क्षेत्र में मूवमेंट है। इस सूचना पे थाना शासनी की पुलिस की घेराबंदी करके इस फॉर्चुनर की बरामदगी की गई है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की पुलिस की टीम आ चुकी है और संयुक्त कार्रवाई की जा रही है।